मेरे ब्लॉग्स ना मालिश वाले बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। क्या बकवास है, मालिश वाली थोड़ी ना हो। मैं बन गई बहुरिया और ये बनने जा रही है बहुरिया नंबर टू। बहुरिया बनके हम जाएंगे शादी में खाना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? और मेरा घर फैला हुआ है, मैं जा रही हूँ दूसरे घर, इसकी दादी के घर। चलो भाई छोड़े। चार्जर ले लिया, फोन ले लिया तुमने? मैं पहुंच गई अपने ससुराल और रसोई से वहीं स्टार्ट करती हूँ। रसोई से ही आ गई। लग रहे नाम तीन गोरे हैं। अरे कपड़ा काट के दे मांगे भाई, फोन रखिए जल्दी। कब बोलो? अरे सही में चाहिए क्या तुम्हें कपड़े? कपड़े और नहीं चाहिए, कपड़े बैग। अरे तो रखे तो है बैग। जोर का झटका है जोरों से लगा। अपना काम खुद करना सीखो। तुम अपने काम खुद नहीं करते हो। ये सामने कपड़े पड़े हैं, अभी खुद लेट है भैया। ये मिल गए इनके सड़ेले कपड़े, इनके फेंक के आती हूँ ऊपर रख के। लो पकड़ो, प्लेट लती। ये यहाँ शोर मचाते, मैं अपना ससुराल में शोर मचा देती हूँ। फोन मेरा ये है। ये देखो इनके कपड़े कैसे फेंकूंगी इनकी मम्मी के आगे। ये बैठे हुए, ये लो तुम्हारे कपड़े। गर्मी आ जाती है, हमने तो डबल डबल पहन के सारा उतार दिए ना। हाँ तुम छत पे रहते हो ना? सीधा तो है। अबे मेरे को इसकी तबीयत खराब चल रही है मेन मास्टर की, पर अब ठीक है। ये कैसा लग रहा है? कमजोरी लग रही है पर ठीक हो जाएगी। अब इसे ना बहुत अटेंडेंस मिल रहे हैं यहाँ पर अटेंड करने वाले, अब तो ठीक चल रही है। एकदम फ्रेश है ये लड़की, मेरे पास आई है वापस। देखिए इस लेडीज को इस जमाने में चूल्हा फूंकते हुए, क्या आप समझ सकते हैं? कोई ऐसे इस डिजिटल जमाने में चूल्हा फूंक सकता है? हमारे घर में फूंका जाता है क्योंकि हमें पसंद है चूल्हे की रोटियां, तो हम इतना पेन उठाते हैं चूल्हा फूंक फूंक कर। ये सासू माँ को दिखा नहीं सकती क्योंकि उन्होंने पूरे कपड़े पहन दिए थे। हाँ बता तो नहीं, मम्मी तुम्हें दिखा नहीं सकती, मैं नहीं दिखा रही क्योंकि तुमने पूरे कपड़े पहन नहीं रखे। प्याज इतनी सारी कटेगी क्या? दो ही तो कटेगी मम्मी। हाँ तो दो ही काट दूंगी मैं। बच्चे लो हम काट देंगे खुद ही, जल्दी फूको। और ये बच्चों को ना एक काम मिल गया यहाँ पर कबाड़ में खेलने का। ये फोड़न लगी गिल्ले अपने बाबू, इनको मत फोड़ना है ना। देखिए अब ऐसे मत फेंको बच्चों, ये बच्चे मानते नहीं बिल्कुल। ये हथौड़ी एक दूसरे के सर पे मत मार देना बाबू। मैं प्याज काट रही हूँ, सासू माँ के बस की नहीं हुई प्याज काट। बच्चे शोर ज्यादा मचाते, देख ठीक है छोड़ दो उसे। धूप कितनी हो गई अब मुझे सही लग रहा है, पूरी गर्मी आ गई है। मुझे गर्मी पसंद है। तो भी कड़ी चावल रेडी नहीं हुए हमारे, कड़ी चावल खाने के लिए मैं आई हूँ आज स्पेशल। यहाँ कड़ी अभी रेडी हो रही है। ये सासू माँ खड़ी है, ये मेरा बाबू मेरी गोदी में है। साइलेंट किलर है ये जो लड़का बैठा है हमारे साथ में, ये इसका नाम है हरीश शर्मा और ये साइलेंट किलर है। चलो हमारी सासू बहू को वीडियो बनाओ, उधर जाके काम चोराए। ये कहना सासू माँ के काम चोराए और मैं सर की हेड मसाज कर रही हूँ जैसा आप वीडियो में देखते हो। और मम्मी की ना मसाज कर रही हूँ, आपको बताया और मम्मी के फूड मसाज कुछ भी नहीं हुई है। तो मेरे ब्लॉग्स ना मालिश वाले बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। क्या बकवास है, मालिश वाली थोड़ी ना हो यार। मेरे मालिश के ब्लॉग मेरे जो है आप लोग देखो।
कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा लग रहा है। अब ज्यादा ज्यादा करके दिखाती हूँ। मम्मी का ब्लड सर्कुलेशन सारा मिला दिया मैंने। अब मेरे बाबू का गंजा होके आ गया, देखो उसके बाल थे ना पहले, अब वो टकलू हो गया है मेरा बाबू। मेरे बाबू को गंजा करा दिया हमने। बाबू राघव दादा कैसा लग रहा है आपको गंजा होके? मेरा बाबू ना यहाँ ट्रैक्टर चला रहा है। तो मैं बन गई बहुरिया और ये बनने जा रही है बहुरिया नंबर टू। बहुरिया बनके हम जाएंगे शादी में खाना खाने। और ज्यादा मेकअप नहीं किया है क्योंकि हम नहीं बनना चाहते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो जल्दी तैयार हो जा। तो दूर के रिश्तेदार की तो नहीं है, सिर्फ एक जानने वाले की शादी है। तो हमारा मूड कर गया कि भाई लास्ट आया है, उसके बाद लंबी कभी जब जाना होगा होगा। तो हम जा रहे हैं उनकी शादी में और मैं ज़्यादा बनने के तैयार नहीं हूँ। येलो कलर की साड़ी मैंने रिपीट कर दी है क्योंकि मुझे ब्लाउज पेटीकोट जिसका फिट आ जाए ना वही मैं साड़ी पहन लेती हूँ। अब हम चलेंगे सीधा शादी के वेन्यू में और भाभी सबसे पहले देखेंगी, वहाँ जाके ताकेंगी कि मेन्यू में क्या क्या रखा हुआ है, है ना भाभी? पहले देखना तुम क्या खाओगी, सबसे पहले रोटी सब्जी या कुछ मीठे से? वैसे तो खांसी हो रही है तो खांसी खास खास के भी वो होंगे, तो मैं शीशे में दिखा देती हूँ कैसी लग रही हूँ। तो ये देखो मैं ऐसी तैयार हो गई हूँ बिल्कुल बहुरिया की तरह। बस मैंने ना कान में कुंडल पहने नहीं है ज्यादा, सिंपल सी बिंदी लगाई है जिसको मैं चेंज कर लेती हूँ ताकि थोड़ी सी ना मेरे को वो हो जाए क्या पार्टी वियर सी लगने लगूं। तो दिल्ली में सायो की वजह से लगा हुआ तगड़ा जाम। हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं और बस पहुंच जाएंगे 15 से 20 मिनट के अंदर। अब हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे।